अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम आ गए हैं लीडल पे। सुबह सुबह हम आए थे, तकरीबन 8 बजे का वक़्त है, तो हमने ग्रोसरी करनी थी, इसलिए अंदर तो वीडियो बनाना आपको पता है अलाउ नहीं है लीडल में। तो यहाँ पे बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ये जो खाली बॉटल्स थी वो वापस कर रही हूँ। यहाँ पे ना रूल है जर्मनी का कि जितनी भी बॉटल्स जब हम खरीदते हैं, पानी वाली या जूस वाली, तो उनके पीछे एक लेबल लगा होता है कि आपने ये वापस करनी है, रिटर्न। तो जब हम खरीदते हैं तो 25 पैसे जो हैं वो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, और जब हम वापस करेंगे तो फिर हमें वो पैसे जो हैं वो वापस मिल जाते हैं। और अगर हम वापस नहीं करेंगे तो पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे, वो उन्हीं के जेब में रहेंगे। तो इसलिए हम वापस ज़रूर करते हैं। तो ये ग्रोसरी करके हम वापस आ गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रोसरी की है। तो सबसे पहले ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ एप्पल्स, और ये 2 केजी का ना बैग था, और बड़े ही प्यारे थे ये, देखें रेड कलर में थे। तो ये मैं लेके आई हूँ 2 केजी का बैग। वैसे मैं ना कम ही 2 केजी लाती हूँ, मैं ना थोड़े से 2-4 ले आती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा खा ही नहीं जाते। लेकिन ये साइज़ भी ठीक था, छोटा, तो फिर थोड़े सस्ते भी मिल रहे थे तो अच्छे भी थे, मैंने ले लिए। और ये एक नुटेला का जार लेके आई हूँ मेरे बेटे के लिए। कभी कभी मैं उसे ना ब्रेड पे लगा के देती हूँ, ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना लगा के दूँ, लेकिन कभी कभार जब वो कुछ और ना खा रहा हो तो चॉकलेट शौक से खाता है, तो फिर ये दे देती हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं चने चिक पीस। ये ना लिडल वालों के मुझे बड़े पसंद है, लेकिन आते कभी कभी हैं, लेकिन जब आते हैं फिर मैं 2 जार ले आती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं लाती दो, लेकिन जब भी आएँ तो फिर 2 जार मैं वो ले आती हूँ। और ये ओलिव्स लेके आई हूँ, ब्लैक वाले मेरे फेवरेट हैं। ब्लैक वाले, ग्रीन वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो ब्लैक वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लेती हूँ ब्लैक वाले, ग्रीन वाले कम ही लेती हूँ। अच्छा, ग्रीन वाले भी अक्सर लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ना ब्लैक वाले ज़्यादा पसंद है। और ये मैं लेके आई हूँ बैंगन, और बैंगन का भरता जब से मैंने बनाया मेरा इतना फेवरेट हो गया, मैं हर बार जब बैंगन खरीदती हूँ ना तो भरते के लिए सिर्फ खरीदती हूँ कि भरता बनाऊँगी। व्हाइट ब्रेड, आपको पता, सिर्फ व्हाइट ब्रेड मैं खरीदती हूँ। ब्राउन ब्रेड जो है वो मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे व्हाइट पसंद है, फिर ये व्हाइट ही लेती हूँ। ये ऑयल लेके आई हूँ, ऑयल 2 यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन 2 मैं और भी लेके आई हूँ, 4 लेके आई हूँ, क्योंकि चीज़ें जो फ्राई करनी होती हैं उसके लिए भी फिर चाहिए होता है। ब्लूबेरीज लेके आई हूँ, मेरी फेवरेट है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं निकली, थोड़ी खट्टी खट्टी सी थी, मज़े की नहीं लगी, शायद 1-2 दिन पड़ी रहें तो अच्छी हो जाएंगी। और ये लेके आई हूँ बर्गर, बर्गर बनाऊँगी क्योंकि बर्गर मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये है भी वीगन, देख लें तो बड़े मज़े के बनते हैं। कभी फ़िश वाले बना लो, कभी चिकन वाले, कुछ भी ऐसे ना मिक्स मैच करके मैं बना लेती हूँ। और ये लेके आई हूँ शिमला, तो ये मुझे ना ग्रीन वाले सबसे ज़्यादा पसंद है, रेड और जो येलो है ना ये नहीं। अच्छा, पहले मैं ये खा लेती थी, लेकिन जब से जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मेरा इनसे दिल अजीब सा हुआ था, ये येलो और रेड से, और उसके बाद से मैंने नहीं खाया। पता नहीं क्यों, मैं इन्हें देखती भी हूँ तो मुझे अजीब लगता है, तो इसलिए मैं लेके आती हूँ ज़ायरा हस्बैंड वगैरह के लिए ये। और ये क्रीम लेके आई हूँ, और ये टमाटो का कैन, फ्रेश टमाटर भी जो है वो टमाटर वो भी लेके आई हूँ, लेकिन ये कैन भी मैं रखती हूँ घर में ज़रूर, ये 2 लेके आई हूँ, क्योंकि अक्सर जब टमाटर ना हो तो फिर ये कैन जो है वो काम आते हैं इमरजेंसी के लिए, ये कैन जो है ये हैं। और ये मिर्चें लेके आई हूँ, ये ना जैसे अचार होता है ना वैसे होती हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह पे अगर आप डाल के खाएं, या वैसे रोटी के साथ सालन, मतलब कोई भी है तो उसके साथ आप एक आध ले लें ना, तो बड़ी मज़े की लगती हैं ये, अच्छी होती हैं। फ़िश लेके आई हूँ, फ़िश भी मैं पिज़्ज़े के लिए लेके आई हूँ। तो फ़िश वाला पिज़्ज़ा पहले आपको पता है मुझे नहीं था पसंद, लेकिन अब मैंने एक और ट्रिक की है जिसकी वजह से मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा बन गया है। मोस्ट फेवरेट तो नहीं, लेकिन मतलब अब मैं खा लेती हूँ, मज़े का लगता है मुझे। अब जब पिज़्ज़ा बनाऊँगी ना तो आपके साथ भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये लेके आई हूँ रैप, रैप का ये होता है कि ये मैं ज़रूर रखती हूँ घर में। इसका ये होता है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं ना होता, अब मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने काम भी स्टार्ट करने लगे हैं, दोबारा से छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो उसके लिए भी रैप जो काम आते हैं, क्योंकि अगर कभी कुछ समझ नहीं ना आ रहा तो फिर रैप में कुछ ना कुछ मैं ना मिक्स मैच करके उन्हें बना देती हूँ साथ ले जाने के लिए। और ये मैं राइस इस्तेमाल करती हूँ, बासमती राइस लिडल से मैं लेती हूँ। तो ये 1 केजी का पैकेट है, और ये मैं 4 केजी लेके आई हूँ। 2 पैकेट यहाँ पड़े हुए हैं, 2 साइड पे थे, क्योंकि यहाँ पे जगह जो है ना वो फिनिश हो गई थी, एक मत ताकि ये चल जाएँ।
और ये लेके आई हूँ लहसुन। लहसुन मैं ना लिडल से ना कम ही खरीदती हूँ, लेकिन कभी कभार जब घर में ना हो फिर मैं चलो ले लेती हूँ। लेकिन मैं ना जहाँ से गोश्त खरीदती हूँ ना तो वहाँ से लेके आती हूँ, उनके पास ना अच्छा होता है। ब्राउन शुगर लेके आई हूँ, लेमन जूस लेके आई हूँ, और ये ओरिगेनो, वो भी थोड़ा सा था घर में तो फिर मैं एक और ले आई थी। ओरिगेनो मैं अक्सर चीज़ों में यूज़ करती हूँ, उसकी खुशबू अच्छी होती है मज़े की। और साथ में मैं ये लेके आई थी आलू और प्याज। आलू मैं एक पैक ही लेके आई थी, असल में ना वैसे मैं दो लाती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़े से ना ताज़े नहीं थे लग रहे, मुझे लगा शायद ख़राब ना हो जाए इसलिए एक ही लेके आई थी। पालक लेके आई हूँ, 500 ग्राम का ये एक पैक था, तो इससे तो आपको पता है पकौड़े बनेंगे, ज़रूरी पकौड़े बनेंगे। और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ी बना लूँगी आलू पालक की। और ये हमारा स्नैक है, कैशू लेके आई हूँ, और ये पिस्ता, ये एक पैक लेके आई हूँ। ये ना मंथली हम ग्रोसरी करते हैं, मंथ में एक बार मतलब ज़ाहिर ये खरीदते हैं। बादाम वगैरह 200-200 ग्राम के हैं ये सारे पैक। और ये हमारी फेवरेट पीनट, इस पे ना उन्होंने ना ये पेपरिका जो है वो लगाया होता है, मसाला वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा सा, तो बड़ा मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग यहाँ जर्मनी में रहते हैं ना, बड़ी मज़े की होती है। और ये मैं लेके आई हूँ, वैसे तो आपको मैंने दिखाया था मैं ना रोजमन के जो उनके अपने ब्रांड के हैं ना वो चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ना आज सेल पे लगा हुआ था वहाँ पे लिडल पे, तो फिर मैंने मतलब सेम प्राइस थी तो फिर मैंने ये ले लिया। ये बड़ा अच्छा सिंक को आपके बड़ा क्लीन कर देता है, और गैस वगैरह जो है ना वो भी बड़ा अच्छा सा कर देता है। और ये हस्बैंड के कपड़ों के लिए, ब्लैक कपड़े उनके होते हैं काम वाले, तो अब ज़ाहिर काम स्टार्ट हो गया तो कपड़े भी वॉश करने हैं, तो फिर उसके लिए ये लिया था। और ये बैग जो हैं कूड़े वाले जो बैग होते हैं ना वो वाले, बिन पे जो लगाती हूँ वो वाले बैग हैं, ये लेके आई हूँ। और साथ में ये मैं लेके आई हूँ चाय की पत्ती, इसमें ना लीडर वालों की मैं ये यूज़ करती हूँ, 50 बैग होते हैं इसमें, और ना ये बड़ी मज़े की होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तीन मैं लेके आई हूँ क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ जो है चाय बहुत शौक से पीते हैं, और जब भी चाय बनाओ तो 4 बैग इजीली इसमें चले जाते हैं, तो फिर इसलिए तीन मैं ले आती हूँ ताकि एक मंथ चल जाए। अक्सर तो 3 भी कम पड़ जाते हैं, इतनी चाय हम पीते हैं। और ये रहे टमाटर, टमाटर इतने फ्रेश थे, इतने फ्रेश थे, इनकी खुशबू इतनी मज़े की थी, ऐसे सूंघो ना तो ऐसे दिमाग तक फ्रेश हो जाता था। बड़े मज़े के टमाटर हैं, बड़े अच्छे होते हैं टमाटर, लीडर वालों के बड़े ही ज़बरदस्त टमाटर हैं, सबके ये अच्छे होते हैं लेकिन मुझे लीडर वालों के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मैं अपने बेटे के लिए लेके आई थी, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि चॉकलेट ना दूं, लेकिन ये मुझे ना आज मैंने वहाँ पे देखा पड़ा हुआ तो मैंने ले ही आई, मैंने कहा ट्राई करूँगी, पता नहीं उससे पसंद आ जाए या ना आए, तो इसलिए मैं ले आई। और ये स्पंज लेके आई थी बर्तन वगैरह आपको पता है वॉश करने के लिए। अच्छा ये ना लिडल के अपना ब्रांड है, उनके ये डायपर जो है ना वो पैंट्स थी, तो ये मैं लेके आई थी, मैंने सोचा ट्राई करूँ ये कैसी हैं, तो 20 है इसमें और 6 यारों की ये मुझे मिली थी, और मैंने ना ट्राई किए हैं, अच्छे लगे हैं मुझे, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो मैं इसके लेती हूँ ना वो नॉर्मल ज़ायरा डायपर होते हैं, तो वो 10 यारों के होते हैं, और उसमें उनमें ना आई थिंक 65 पीस होते हैं, और ये 6 यारों के हैं और इनमें 20 पीस हैं, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है थोड़े। नेक्स्ट टाइम मेरा नहीं ख्याल मैं लूँगी, या शायद लिया भी तो एक आध बैग ही सिर्फ लूँगी, क्योंकि दूसरी जो डायपर मैं इसके लेती हूँ वो रोजमन से मैं लेती हूँ, तो 2 पैक लेती हूँ ना 20 यारों के आ जाते हैं, तो इजीली मेरा मंथ जो है वो गुजर जाता है, तो ये तो अगर मैं करूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, इसलिए कम ही मुझे नहीं लगता मैं लूँगी। और ये है मोजरेला चीज़, मेरी फेवरेट, ये मैं हर चीज़ में मोजरेला चीज़ यूज़ करती हूँ, कम ही कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ, मुझे यही पसंद है। पिज़्ज़ा वगैरह में या ब्रेड वगैरह में किसी भी चीज़ में, रैप में, किसी में भी यूज़ करनी हो यही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी ये थी मेरी मंथली ग्रोसरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। अल्लाह।